हेलो एंड वेलकम टू कार डिलाइट। तो ये है ह्युंडई की ऑल न्यू 2018 एलीट आई 20 का फेसलिफ्ट मॉडल, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके मोर देन टॉप 10 फीचर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फर्स्ट फीचर की बात करिए तो वेलकम फंक्शन मिलता है ORVM में टॉप एंड वेरिएंट में, एंड बाकी स्पोर्ट्स एंड एस्ता वेरिएंट में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक फोल्डिंग का फीचर। इसके साथ यहाँ पे जो MID स्क्रीन आपको मिलता है 2018 के मॉडल में वो भी बिल्कुल ही न्यू दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा सुपरविजन क्लस्टर जो कि मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर, सर्विस ड्यू, साथ में आप कई सारे इधर फीचर्स मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे डोर्स के, लाइट के, कन्वीनियंट के फीचर्स। एंड इसके साथ अगर डोर एंड टेलगेट ओपन है तो वो भी प्रॉपरली इधर शो होगा। साथ में 2018 के मॉडल में जो नीडल्स दी गई हैं टैकोमीटर की एंड स्पीडोमीटर की, वो भी आप देख सकते हैं रेड कलर की दी गई है, अर्लियर आपको वाइट कलर की मिलती थी। एंड इसके साथ जो बाकी वेरिएंट्स में यानी कि एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स में जो आपको MID स्क्रीन मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये शो करेगा डिजिटल स्पीड, डिस्टेंस टू MT, माइलेज, आउटसाइड टेम्परेचर, एंड इसके साथ दो ट्रिप मीटर मिलेंगे, टोटल किलोमीटर्स भी शो करेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, एंड न्यू i20 में इंट्रोड्यूस करा गया है USB चार्जर जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च Hyundai Verna में भी आपने देखा होगा। एंड इसके साथ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी फ्रंट में मिल जाएगा। एंड गाड़ी की चाबी की बात करिए तो स्पोर्ट्स एंड एस्टा मॉडल में कुछ ऐसी कीज मिलेगी, एक जैक नाइफ फोल्ड की और एक सिंपल की मिलेगी। एरा और मैग्ना लेंगे तो वहाँ पे दोनों ही आपको सिंपल कीज मिलेंगी। एंड अगर आप लेते हैं टॉप एंड वेरिएंट जो है एस्टा ऑप्शनल मॉडल तो वहाँ पे आपको दो कीज मिलेंगी जो है Hyundai की स्मार्ट कीज। एंड इस वेरिएंट में जो कि है टॉप एंड वेरिएंट वहाँ पे आपको ORVM पे वेलकम फंक्शन भी मिल जाएगा, एंड साथ में मिलेगा इंजन पुश स्टार्ट बटन। एंड अब देखते हैं इस 2018 मॉडल में आपको नेक्स्ट बेस्ट फीचर क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया ऑटो लिंक का फीचर जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। हमारी i20 डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी Hyundai सर्वर के साथ, एंड वहाँ पे अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होगा या एज अ हेल्थ चेकअप वो सर्व होता है तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमें वहाँ पे स्टैट्स एंड डेटा मिल जाता है, वो मॉनिटर करते हैं हमारे ड्राइविंग पैटर्न को, उसके ऊपर बेस्ड होता है और हमें बताता है कि हम अर्गोनॉमिकली यानी इकोनॉमिकली गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। एंड इसके साथ i20 में फ्रंट में आपको मिलता है सनग्लास होल्डर, एंड इसके साथ टू फ्रंट में आपको इंडिविजुअल कैबिन लैंप्स मिल जाएंगे, साथ में थिएटर डिमिंग का फंक्शन भी दिया गया है। इसके साथ रियर में भी सेंटर में एक लैम्प मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। एंड यहाँ पे रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको सेंटर में मिलता है AC वेंट जो कि कैबिन की कूलिंग एफिशिएंसी को ओवरऑल और भी इंक्रीज कर देता है, साथ में विद इन सेकेंड्स कार कूल हो जाती है। इसके साथ जो गाड़ी में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है वो आपको स्पोर्ट्स एंड एस्टा मॉडल दोनों में ही मिलेंगी, लेकिन वो आपको मिलेंगी फॉग लैम्प के पास। एंड अगर आप लेते हैं टॉप एंड वेरिएंट जो है एस्टा ऑप्शनल मॉडल तो वहाँ पे मेन हेडलैम्प यूनिट में ही आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी, एंड इसके साथ वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कॉर्नर रेन लैम्प का फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फंक्शन भी मिल जाएगा। एंड अब इसके बाद देखते हैं कि Hyundai Elite i20 में हमें नेक्स्ट बेस्ट फीचर क्या दिया गया है। Elite i20 2018 वेरिएंट में आपको वारंटी भी एक्सटेंड करके दी गई है। अब आपको 3 years और 1 lakh किलोमीटर तक की वारंटी मिलेगी, विच एवर इज अर्लियर। एंड इसके साथ 3 years की RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस भी दी गई है, और Hyundai इस पैकेज को कहता है कंप्लीट पीस ऑफ माइंड फॉर कस्टमर्स। एंड ऑल्सो फेस लिफ्टेड i20 में आपको 2 एयर कर्टेंस दिए गए हैं जो कि फॉग लैम्प हाउसिंग में मिलेंगे, एंड ये आपके हाई स्पीड्स पे स्टेबल रखते हैं और गाड़ी को मोर प्लांटेड रखते हैं। एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी में भी आपको माइनर इंक्रीज दिखेगा, एंड गाड़ी इसे मोर एरोडायनामिकली डिजाइन इफेक्टिव बन जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या दिया गया है। यहाँ पे मिलता है 17.77 सेंटीमीटर यानी 7 इंच का टच एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम IPS क्लिस्टर क्लियर डिस्प्ले के साथ दिया गया है जो सपोर्ट करेगा ऑडियो वीडियो नेविगेशन को, एप्पल कारप्ले को, एंड्रॉयड ऑटो को और मिरर लिंक को। इसके साथ ब्लूटूथ ऑक्स USB रेडियो भी दिया गया है, एंड आर्कमिस की साउंड मोड भी दी गई है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर भी मिल जाएगा, एंड Hyundai की iBlue ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे एज ए रिमोट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। रियर सीट से बैठ के पूरा आप म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर पाएंगे। साथ में 4 स्पीकर्स मिलते हैं एंड 4 ट्विटर्स मिलते हैं, एंड साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है, एंड जो रिवर्स वॉकिंग कैमरा का डिस्प्ले वो भी आपको इसी स्क्रीन पर मिलेगा।
एंड इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल आपको स्टेयरिंग व्हील पे मिल जाते हैं, जो है ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल। इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर डिस्प्ले यानी MND स्क्रीन दी गई है, उसके कंट्रोल भी आपको राइट साइड मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ड्राइवर एंड पैसेंजर्स सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट मिलती है, ऊपर या फिर नीचे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्राइवर सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील में आपको रेक एंड रीच यानी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है। एलिट i20 में ग्लव बॉक्स में आपको मिलता है कूलिंग का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने बेवरेजेस चिल रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लस्टर आयोनाइजर क्लीन एयर की टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि बैड स्मेल्स को, ओडोर्स को रिमूव करती है और गाड़ी में पॉजिटिव आयन जनरेट करती है, कैबिन को फ्रेश एंड डियोडोराइज करती है। और जो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है एयर फ्रेशनर की, वो भी आपको क्लस्टर आयोनाइजर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। 2018 Hyundai Elite i20 में रियर में आपको LED टेल लाइट्स मिलती है, साथ में डुअल टोन बम्पर दिया गया है, जो कि ओवरऑल अपराइट एंड स्पोर्टी स्टांस देगा। साथ में आप सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करिए तो टॉप क्लास आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS, रियर पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस एंड स्टेयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस, साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, 5 डोर सेंटर लॉकिंग मिलेगी, 4 डोर एंड 1 टेल गेट, साथ में स्मार्ट पेडल मिलेगा, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक का फीचर मिलेगा एंड स्पीड सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर लॉक्स भी मिलेंगे, क्लच लॉक भी दिए गए हैं, साथ में हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन यानी फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल का फंक्शन मिलेगा, कीलेस एंट्री दी गई है, रियर में आपको डीप फॉगर मिल जाएगा, सीट बेल्ट में आपको प्रिटेंशन मिलते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए गए हैं, इंजन इमोबिलाइजर मिलेगा एंड डुअल हॉर्न भी मिलेगा। एंड टोटल 5 मॉडल अवेलेबल हैं, जो है एरा, फिर आता है मैग्ना, देन स्पोर्ट्स, उसके बाद आता है एस्ता, जो कि डुअल टोन वेरिएंट में भी अवेलेबल है, उसके बाद आता है टॉप एंड एस्ता ऑप्शनल मॉडल। और बेसिक एरा से लेके एस्ता ऑप्शनल तक आपको कई सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो कि हर एक वेरिएंट में कॉमन रहेंगे, वो है डुअल हॉर्न, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट में प्रीटेंशन, जो कि ड्राइवर एंड पैसेंजर मिलेंगे, और साथ में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS मिल जाता है, एयरबैग मिलेंगे आपको 2, स्पीड सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर लॉक्स एंड इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिल जाएगा, स्मार्ट पेडल मिलेगा, साथ में सेंटर लॉकिंग मिलेगी चारों दरवाजों के लिए एंड टेल गेट के लिए, तो ये सारे आपको स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। एंड साथ में एक और बहुत बेहतरीन टच दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट आपको हर Hyundai की गाड़ी में मिल जाएगा, वो है फ्रंट जो USB ऑक्स एंड USB चार्जर के पोर्ट दिए गए हैं, जितने भी वो सारे ही ब्लू एल्यूमिनेशन के साथ दिए गए हैं, जो कि पोर्ट्स की विजिबिलिटी नाइट में ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। एंड ओवरऑल i20 के इंटीरियर में आपको मिलती है ब्लू कलर की एल्यूमिनेशन, एंड वो भी हम मैनुअली इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस को। तो राइट साइड IC एडजस्टमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं, जिसके हम ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हमें MID स्क्रीन पर दिख जाएगा डायरेक्टली, तो मिनिमम टू मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आई कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कैबिन की ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है। इसके साथ यहाँ पे फ्रंट AC वेंट्स के ठीक सेंटर में आपको पावर डोर लॉक या सेंटर लॉकिंग का बटन भी मिलता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट फीचर क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेंटर में कंसोल दिया गया है, जो है फ्रंट आर्मरेस्ट का, इसे हम मैनुअली आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट दी गई है। साथ में अंदर आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिलेगी, इसके साथ इसके आगे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। साथ में जो रियर है वहाँ पे भी आपको सीट्स में आर्मरेस्ट मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन टच दी गई है, किसी भी प्रीमियम हैचबैक में अभी तक आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती एंड लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट एंड सपोर्ट ऑफर करती है। एंड ओवरऑल i20 की प्रैक्टिकलिटी की बात करी जाए तो कैबिन में आपको कई सारे स्टोरेज एरिया मिलते हैं, बॉटल होल्डर, ग्लास होल्डर, ग्लव बॉक्स एरिया, साथ में सनग्लास होल्डर भी मिलेगा। इसके साथ 285 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड रियर आर्मरेस्ट, एंड जो डोर पैनल है वहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर्स एंड मैप पॉकेट्स मिल जाएंगी, 1 लीटर की बॉटल इजीली हाउस हो जाएगी। एंड इसके साथ जो गाड़ी का इंटीरियर मिलता है प्रीमियम बीच सीट्स इंटीरियर दिया गया है, एंड इसके साथ जो ब्लैक एंड बीच कॉम्बिनेशन है डोर पैनल पे भी मिल जाएगा, जो ओवरऑल गाड़ी को स्पेशियस एंड रूमी बनाता है। Elite i20 में आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा स्टेयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ, जो कि हम जैसे स्टेयरिंग को मूव करेंगे वैसे गाइडलाइंस भी मूव होंगी। साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया गया है, जिस वजह से पार्किंग काफ़ी इजी हो जाती है, और Hyundai इसे बोलती है रियर पार्क असिस्ट सिस्टम। एंड ऑल्सो i20 अवेलेबल है एस्ता डुअल टोन कलर में, जो कि स्पोर्टी मॉडल है, 3 आपको कलर्स मिल जाएंगे उसमें, वाइट के साथ ब्लैक, रेड के साथ ब्लैक एंड ऑरेंज के साथ ब्लैक रूफ, और उसमें इंटीरियर में भी आपको रेड एंड ऑरेंज इंसर्ट्स मिल जाएंगे।
इसके साथ i20 2018 प्राइज्ड है 5,35,000 से लेके 9,15,000 एक्स शोरूम दिल्ली। साथ में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर VT कापा पेट्रोल इंजन जिसकी माइलेज है 18.6 kmpl, दूसरा है 1.4 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन जिसकी माइलेज है 22.54 kmpl। तो ये था Hyundai Elite i20 2018 के टॉप 10 यूनिक फीचर्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।